हेलो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एक लॉन्ग वीडियो है जो मैंने गुरु रंधावा की एक स्केच बनाई थी, ये उसकी है। इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये बेसिकली यार ये स्पीड वीडियो है, थोड़ी सी स्पीड है, इसीलिए हो सकता है कि वॉइस मैच ना करे, तो आप वॉइस पे ध्यान दीजिए। वीडियो में जो बन रहा है उसको गौर कीजिए, आपको मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पेज लिया है। सबसे पहले मैंने उसमें मेज़रमेंट कर लिया था कि कौन सा हिस्सा किस में आएगा। उसके बाद मैंने आईज से स्टार्ट किया बनाना। आप चाहो तो आप नोज़ या हेयर या कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा कि आप आईज से ही स्टार्ट करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जैसी मर्जी है, आप जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहो आराम से कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आई बनाई है। मेजरमेंट मैंने पहले कर लिया था फेस का, इसीलिए मुझे इजी जा रहा है। तो अगर आप कोई चीज़ बनाना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप मेजरमेंट कर लीजिए कि पेज के कितने हिस्से में कौन सा पार्ट आएगा, तो ये आपको इजी पड़ेगा। तो देख लीजिए जैसे वीडियो में हो रहा है, बस उसको फॉलो करते रहिए। अगर आप साथ में बनाना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए कि बस अपने पास एक पेज रख लीजिए और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे एग्जैक्ट ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। रियलिस्टिक पेंटिंग थोड़ी सी टफ जाती है, और अगर आप बिगनर हो तो मैं कहूँगा कि आप ये ट्राई ना करो। अगर आप बहुत सारी स्केच बना चुके हो और आपने मेजरमेंट करना सीख लिया है, और अगर आप अच्छी से पेंटिंग बना सकते हो तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कीजिए। अगर आप स्टार्टिंग एज में हो, आप बिगनर हो, आप किड हो, तो यार रियलिस्टिक पेंटिंग ट्राई मत करो, क्योंकि ये बहुत हार्ड जाती है स्टार्टिंग में, और आपका मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है स्केच जब अच्छे नहीं बनते। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि आप कोई छोटी पेंटिंग बनाओ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल मैं ऐसे ही बहुत सारी आपके लिए ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें आपको बेसिक लेवल, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको ज़रूर बनाना बताऊँगा, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। ये तो रियलिस्टिक आर्ट है जो बहुत प्रैक्टिस से होता है। बेसिकली आप देख सकते हो कि मैं फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूँ, जो भी है मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो ये तो और भी टफ होता है, क्योंकि ग्रेड वाले में आप बना सकते हो आसानी के साथ, क्योंकि उसमें ग्रेड रहता है, तो इतना टफ नहीं जाता। बट जब आप फ्री हैंड स्केचिंग करते हो तो ये आपको बहुत टफ जाता है, क्योंकि वहाँ हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन से हिस्से में कौन सा पार्ट आएगा। तो बेसिकली ये बहुत प्रैक्टिस वाली चीज़ है। तो अगर आप बिगनर या फिर किड हो तो बिल्कुल इसे ट्राई मत कीजिए, आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। देखिए यार, हमें जब कुछ बड़ा करना रहता है तो हम एक स्मॉल स्टेप लेते हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि आप सडनली डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी में पहुंच जाओगे, ये बिल्कुल ध्यान में मत रखिए। आप छोटी लेवल से स्टार्ट कीजिए, छोटे चीज़ बनाइए, छोटी छोटी चीज़ें बनाइए। आपका कोई कार्टून शो है या कुछ और छोटा छोटा चीज़ें, एप्पल है या टेबल है, इस टाइप की छोटी चीज़ें बनाइए जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। बिल्कुल मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आप शेडिंग प्रैक्टिस कर सको और स्केचिंग प्रैक्टिस दोनों ही, तो उसके लिए बस आपकी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होगी यार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप सीखना चाहते हो। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है पेंटिंग से रिलेटेड जो मैं इसमें बना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप चाहो तो मुझे मेल भी कर सकते हो, या नीचे मेरे फेसबुक आईडी दी हुई है, आप वहाँ जाइए, मेरे पेज को लाइक कर दीजिए और बातें कर सकते हो। आप चाहो तो आप पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की पिक बनाऊं, तो आप बिल्कुल वो भी डिमांड मुझसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आउटलाइन कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा सा हेयर का बचा हुआ है जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बस स्मॉल स्टेप कीजिए। बस एक बात और ध्यान रखें यार, जब आप स्केचिंग करते हो तो कोई भी चीज़ एकदम गड़ाकर मत कीजिए, एकदम रफली हल्के हाथों से चलाइए, जिससे कि अगर कभी आपको दिक्कत हो, मिटाने का नौबत आए, तो आप उस चीज़ को मिटा सको। इसीलिए आप हल्के हाथों से चलाइए और आउटलाइन पूरी बना लीजिए। जब तक आउटलाइन परफेक्ट ना हो तब तक आप शेडिंग स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार शेडिंग स्टार्ट कर देते हो तो फिर आप कोई भी चीज़ मिटा नहीं पाओगे। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप आउटलाइन पूरी अच्छे से ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप हल्की हल्की शेडिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं वीडियो में
मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में हल्की हल्की शेडिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने आई से ही शेडिंग स्टार्ट किया है, आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ ऐसी पार्ट पे शेडिंग स्टार्ट मत कीजिएगा जो हाथों से फैलने का डर हो, ठीक है। तो कोई भी एक स्मॉल छोटे से पार्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और हल्की हल्की शेडिंग करना चालू कीजिए। जब आप डार्क करते हो, जैसा कि आप देख सकते हो मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो 0.7 की है, कैमलिन की है, और मैं हल्की हल्की ड्रॉ कर रहा हूँ, हल्का हल्का शेडिंग कर रहा हूँ, हल्का हल्का डार्क कर रहा हूँ, जिससे बाद में मैं उसे फैला सकूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैं हल्की हल्की ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप जब करो तो आप गड़ा कर किसी भी चीज़ को मत कीजिएगा, हल्के हाथों से चलाइएगा, वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हल्की हल्की की डार्क करना स्टार्ट कीजिए अपने पेंटिंग को। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आई कंप्लीट होने वाली है, फर्स्ट आई। जब तक एक पार्ट कंप्लीट ना हो तब तक आप दूसरे पार्ट को स्टार्ट मत कीजिए, पहले एक पार्ट को ड्रॉ करते रहिए। जैसे वो पार्ट कंप्लीट हो आप सेकंड पार्ट को स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हर एक जगह हल्की हल्की डार्क कर रहा हूँ, जिससे कि बाद में मैं उसे रफ़ कर सकूँ। यही कीजिए पेंटिंग को, मतलब प्रोसेस वाइज बनाने की कोशिश कीजिए, हल्की हल्की डार्क कीजिए, ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करना है अभी तो। स्टार्टिंग में आपको HB पेंसिल ही यूज़ करना है। मैंने इसमें बेसिकली दो पेंसिलों का यूज़ किया है, दो से तीन पेंसिल। मैंने एक कैमलिन की पेंसिल यूज़ की है, मैकेनिकल पेंसिल जो आप देख सकते हो, और मैंने एक आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ की है जो 10B की है। अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो यार एक काम कीजिए, आप भले आप मैकेनिकल पेंसिल मत लीजिए बट आपको आर्ट लाइन या कैमलिन की 10B की ले लेनी चाहिए पेंसिल, क्योंकि इसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा पेंटिंग। अगर आपके पास अप्सरा की है तो यार देख लो, अप्सरा की पेंसिलें बहुत ही लाइट होती है, आप 10B ले लो वो भी बहुत ही लाइट होती है, इतनी डार्क नहीं होती। अगर आपको डार्क पेंटिंग बनानी है तो अप्सरा मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, उससे अच्छी आप या तो कैमलिन की ले लीजिए या तो आप आर्ट लाइन की ले सकते हो। अगर आपके पास नियर किसी स्टोर में आर्ट लाइन की अवेलेबल होती है 10B के पेंसिल तो बस जाकर उसे बाई कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये तो आपको हर एक बेसिक में ज़रूरत पड़ेगी ही, आपको इस चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि 10B तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए आप ये बाई कर लीजिए। बाकी अगर आप मैकेनिकल पेंसिल नहीं भी लेते हो तो भी इतनी दिक्कत नहीं है, आप HB पेंसिल से भी ये काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हेयर को हल्की हल्की ड्रॉ कर रहा हूँ रफ़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल से हल्की हल्की डार्क कर रहा हूँ, बस आप भी वैसे कीजिए। देखिए कोई भी हिस्से को सडनली एकदम डार्क मत कीजिए, पहले लाइट डार्क चलाइए, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसको डार्क करते रहिए, जिससे कि आप उसको फ्लुएंटली अच्छे से बना सको। सबसे पहला पेंटिंग में, मतलब कोई भी स्केचिंग आप बनाते हो तो उसमें ये रहता है कि आप ड्रॉ कैसे करते हो, ड्रॉइंग इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले। आप सडनली फास्ट करने की कोशिश मत कीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस है तो सबसे पहले आप अच्छे से ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम जाएगा, इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिए। मैं तो यही कहूँगा, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप फास्ट करने के बजाय आप छोटी छोटी पेंटिंगों से स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगनर हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ले आप कोई भी सीनरी ड्रॉ कीजिए, सीनरी आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छा होगा। और एक बात और है यार, जैसे कि आप ड्राइंग करते हो तो आप अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर को ड्रॉ कीजिए। देखिए जैसे कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर है गुरु रंधावा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं, बट मैं इतने भी ज़्यादा पंजाबी सॉन्ग नहीं सुनता, बट हाँ इसके सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं।
और मेरा एक फेवरेट टीवी शो है यार, जिसका नाम गेम ऑफ थ्रोन है, होप सो आपने देखी होगी। उसकी एक फेवरेट कैरेक्टर है आर्या, जो मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। बेसिकली ये बहुत अच्छी शो है, अगर आप चाइल्ड हो यार, छोटे हो, बच्चे हो, तो बिल्कुल इस शो को ना देखो, ये वल्गरिटी है थोड़ी सी, तो आप इसे मत देखिए। पर अगर आप यंग हो तो बिल्कुल ये शो आपके लिए है, ये बहुत अच्छी शो है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है और ड्रामा स्टोरी भी बहुत बढ़िया मस्त है, तो मुझे तो ये बेसिकली बहुत अच्छी लगी। और इसका लास्ट सीज़न अभी आने वाला है, ये जस्ट सडनली अप्रैल में ये रिलीज़ है, तो आप चाहो तो इसके पूरे सीज़न देख लीजिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ यार, आपको ये दीवाना कर देगा, ये बहुत ही अच्छा शो है। अब तक मेरे हिसाब से अब तक ऐसा शो तो कभी बना ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छा शो है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए, इसे ज़रूर देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आउटलाइन की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और इसके कोट पे मैं डार्क कर रहा हूँ। बेसिकली आर्ट लाइन की पेंसिल बहुत डार्क होती है यार, 10 भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ये सस्ता भी है और बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारी पेंसिलें यूज़ की है, महंगी पेंसिलें भी यूज़ की है, स्टैंडलर की भी यूज़ की है, बट भी मैं अगर मुझे कोई सजेस्ट करने को कहे तो मैं आर्ट लाइन की सजेस्ट करूँगा। ये 10 रुपये की एक पेंसिल आती है यार, और स्टैंडलर आप यही लोगे तो 200-250 रुपये लग जाते हैं पता है। और अगर आप 10 स्टैंडलर 10B की एक पेंसिल लोगे तो वही बहुत महंगा है यार, वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक भी कर सकते हो, आप अगर स्टैंडलर की लेना चाहते हो तो। अच्छी रहती है यार, मैं नहीं कहता स्टैंडलर पेंसिल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी रहती है, बट बहुत कॉस्टली रहती है। उसके मुकाबले आर्ट लाइन आपको बहुत सस्ती और अच्छी मिल जाती है, आपको सेम चीज़ रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। मैं स्टैंडलर वाली भी आपको ड्राइंग ट्यूटोरियल बना दूंगा, बट रिज़ल्ट आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, तो क्यों आपको इतना पैसा वेस्ट करना। इसीलिए आप सस्ती चीज़ें लीजिए, सस्ती चीज़ों का यूज़ कीजिए। अगर आप बिगनर हो तो मैं तो कहूँगा सिर्फ दो ही चीज़ें यूज लीजिए, एक तो आप इरेजर ले लीजिए और एक आर्ट लाइन की पेंसिल ले लीजिए और एक HB पेंसिल ले लीजिए, बाकी आपको किसी भी पेंसिल की यूज़ नहीं लगेगा। और रही बात जिस पेपर की, मैं पेपर यूज़ करता हूँ आइवरी सीट पेपर, आप बिल्कुल ये चीज़ मत खरीदिए अगर आप बिगनर हो, ये बहुत ही कॉस्टली है और नहीं खरीदना चाहिए आपको स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। अगर आप बिगनर से आगे हो, मतलब एज अ स्टेज में आप अच्छा बनाना स्टार्ट कर चुके हो, आप ड्राइंग आपकी थोड़ी थोड़ी परफेक्ट हो रही है, तो बिल्कुल आप आइवरी शीट का यूज़ कर सकते हो, वरना आप कार्ट्रिज पेपर यूज़ कीजिए, या फिर हो सके तो आप जो हम फोटो कापी निकालते हैं वो वाले पेज में बनाइए, क्योंकि वो बहुत सस्ती होती है और उसमें भी ड्राइंग बहुत अच्छी बनती है। मैंने उसमें बहुत सालों तक प्रैक्टिस की है, तो आप चाहो तो आप उसमें ट्राई कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत आउटलाइन सारे कंप्लीट कर लिए हैं और डार्क भी कर लिए हैं, अब बस मैं शेडिंग कर रहा हूँ। बस जहाँ जहाँ मैंने डार्क किया है उसे पेपर स्टेम की हेल्प से मैं उसको फैला रहा हूँ, जिससे कि वो अच्छे से फैल जाए। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ, मैं बस उसको हल्के हल्के हाथों से फैला रहा हूँ, बिल्कुल गड़ाइएगा मत, आप ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, वो आराम से फैल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बस आप उसे हल्के हल्के फैलाते रहिए। अब आप देख सकते हैं मैं मोनोजीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल इस इरेजर को मत खरीदिए, मैं आपको इससे बेहतर रास्ता एक दिखाऊंगा, छोटे से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इरेजर के बारे में बताऊंगा, जो बोलता है ना देसी जुगाड़, बस वही है यार, आपको बस एक छोटा सा चीज करना होगा, बस आप मोनो जीरो इरेजर लेने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने लेने के बाद खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ किया यार, ये बहुत ही कॉस्टली है, आपको 350-400 रुपये 400 रुपये की आती है, ऊपर से इसके रिफिल बहुत महंगे आते हैं, तो आप इतना पैसा वेस्ट मत कीजिए। मैं इससे अच्छी आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो आपको बहुत ही सरल
और अच्छी लगेगी, जिसमें मुश्किल से 1 रुपए का खर्चा है यार। 1 रुपए की रबड़ में भी आप वो चीज़ यूज़ कर पाओगे, इसीलिए आप इतनी महंगी रबड़ यूज़ मत कीजिए। आप अगर बिगनर हो तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए यार। आपको बहुत सारे आपने आर्ट चैनल देखे होंगे जिसमें मोनोज़ीरो इरेजर कंपलसरी बोलते हैं, बट ये गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं है। मोनोज़ीरो इरेजर आपको तो लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, आप इससे सस्ते में अच्छे से बना सकते हो। और जिस जिस का यूज़ कर रहा हूँ यार, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 2 मटेरियल ही इम्पोर्टेंट है, एक तो है 8 लाइन की 10B के पेंसिल और एक HB पेंसिल और एक कोई भी इरेजर। बाकी आप पेपर स्टम्प नहीं खरीदोगे तो भी चलेगा, आप या तो कॉटन यूज़ कर लीजिए या टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है उसमें, बट हाँ अगर आप रोल करके यूज़ करोगे तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। या पेपर स्टम्प घर पे कैसे बनाते हैं, मैं इसकी भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप इसे घर पे भी बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ, जो वही उसी तरीके से यूज़ होता है जैसे कि पेपर स्टम्प आप जब ख़रीदते हो तो यूज़ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना ये है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए यार, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊँ तो आपको पता चल जाए। हाँ अभी थोड़ा सा चैनल में ग्रो हो रहा है यार, बस आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आप थोड़ी सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए यार, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। मैंने कहीं आर्ट सीखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी टीचर से सीखोगे यार तो वो आपको वो चीज़ें नहीं बता पाएगा जो हम अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब कोई आपको सिखाता है तो आप गलतियाँ बहुत कम करते हो, पता है, और जब आप खुद से सीखते हो तो बहुत सारी गलतियाँ करते हो। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और मुझे पता है कि कहाँ पास सुधार की ज़रूरत होती है, कहाँ पास नहीं होती है, कहाँ पास हम अपना माइंड यूज़ करते हैं, तो मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको सिखा सकता हूँ। तो बस एक ट्रस्ट की ज़रूरत है यार, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर करना ना भूले यार। अगर आपको अपने भाई की स्केचिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और एक बात और यार, अगर आप अब तक मेरी वीडियो देख रहे हो, जो बहुत लोग तो नहीं देख रहे होंगे, स्कैप कर चुके होंगे, अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिस एक कंपटीशन है समझ लो, जिसमें मैं आपकी स्केचिंग आपको फ्री में बना के दूंगा। बस आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा उसमें कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर का नाम क्या है। तो आपको जैसे कि आपको पता है मेरी फेवरेट कैरेक्टर का नाम है आर्या स्टार्क, जो कि गेम ऑफ थ्रोन की है। आप इसे याद रखिएगा और जब मैं वो वीडियो लाऊंगा और मैं वो क्वेश्चन करूंगा तो बस सडनली आप फटाक से आंसर दे दीजिए और जो भी पहला आंसर देगा मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा यार। तो अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो सोचिए आपके लिए बेनिफिट है यार। बहुत सारे लोग तो स्केप कर चुके हैं बट आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी वीडियो का एंड तक देखा, ये सच में एक ऑनर वाली फीलिंग है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को पूरी देखिए। आपको अगर स्केचिंग में कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में चाहो, मेल करना चाहो, जैसे भी आप चाहो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच यार, आप एंड तक रुके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं चलता हूँ, जल्दी ही अगला वीडियो लेकर जरूर आपके साथ आऊँगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।